नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा से। दोस्तों अभी हम खटखट टोल पर मौजूद हैं और कल बात भी हुई थी कि भाई वीरेंद्र सिंह अपनी रैली निकालेंगे उचाणा से गड्डी सांपला तक, तो उसी को लेकर आज जो किसान है जो बाइक रैली निकाल रहे थे और खटखट टोल पर किसान ने आह्वान किया था कि हम ये रैली रोकेंगे, रैली नहीं होने देंगे। तो उसी के चलते अभी आप देख रहे हैं कि जो किसान बाइक से उचाणा से कड़ी सांपला की ओर जा रहे थे, उन्होंने किसानों ने खटखट टोल पर रोक लिया है। और आप देख रहे हैं कि जो भी किसान बाइक रैली निकाल रहे हैं उनको किसान रोकने का काम कर रहे हैं और अभी तक बहुत काफी मात्रा में बाइक रोक चुके हैं। और जो भी किसान बाइक से आ रहे हैं उनको समझाकर अपने पास बैठाया है और यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन ही पहुंचा है और महिलाएं भी आई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो बाइक रैली है उस पर किसी पार्टी विशेष का झंडा तो नहीं है, लेकिन सर छोटूराम और भगत सिंह का झंडा है। लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि एक राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं और जो राजनीति की बात होगी वहाँ पर किसानों कोई बात नहीं होगी। वो एक किसानों को झूठ बोलकर ये रैली कर रहे हैं कि भाई हम किसानों की बात करेंगे, वहाँ पर किसानों का ही मुद्दा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो किसान मौजूद है उनसे बात भी करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी प्रधान जी, क्या मामला पूरा? ये मामला ये है, उड़ा गड्डी सांपले जावे है, बाइक रैली निकाल गए, झंडे ला रहे हैं भगत सिंह के, परपज माने इनको रोकना चाह रहे हम। तो भाई नारे लाओ, जय किसान जय आंदोलन के नारे लाओ, बैठ जाओ क्या फिर पीछे से जाना किसी ने नहीं, जो किसी राजनीतिक षड्यंत्र से नहीं जान देंगे हम यहाँ। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र बोल रहे आप, इनके पास जो झंडा किसी पार्टी विशेष का नहीं है, वो सर छोटराम और भगत सिंह का झंडा है। हाँ वो मान गए, ये तो हमारे मसीहत है, उनका झंडा है, लेकिन पर्पज तो बताओ रहा है भाई, किस पर्पज से जा रहे वो बताना पड़ेगा। मतलब आपका कहना मतलब भैया उसकी आड़ में कोई राजनीतिक षड्यंत्र? और अभी तक कितनी बाइक आ चुकी है? नहीं बाइक भी कुछ नहीं, 5-4 बाइक थी बस और कुछ नहीं थे, 5-7 बाइक आई, 15-20 थी, 15-20 बाइक थे, हमने यहाँ तक 5-4 बाइक है। जो बाइक आपने रोकी है उनसे क्या बात हुई है? उनसे शामिल आ गए स्टेज पकवान है, वह में तो उड़े बैठेंगे, उड़ते जाते नहीं, वहाँ तो धरना का समर्थन करके आपके समर्थन में आया, हमारा समर्थन। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, जो ये बाइक रैली निकाल ली है? ये बाइक रैली नहीं है, ये किसानों के आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र है, सरकार द्वारा खेल खेला जा रहा है। सभी किसान भाई इस चीज को समझ चुके हैं, क्योंकि अगर बाइक रैली का मतलब, अब जो आंदोलन चलाओ उसमें बाइक रैली का क्या मतलब बनता है? ये झंडों को बाइक के बैग में छुपा के और छोटू राम के और भगत सिंह के फोटो लगा के भाई एक मतलब रैली को मतलब किसानों को बरगला के ये जा रहे हैं। बाकी हमने इन भाइयों को रोक लिया, 15-20 मोटरसाइकिलों को यहाँ पे, इनसे वीरेंद्र मुर्दाबाद के, सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए हैं और ये किसानों के हक में बैठ गए हैं हमारे भाई, और जो वापस जाना चाहते थे वो वापस चले गए हैं। हमारा आंदोलन कामयाब है, कामयाब रहेगा, सरकार को हम चेता देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण रहेगा, सरकार ये उच्छेद कंडे ना अपनाए, क्योंकि हम उग्र नहीं होने वाले, सरकार हमें चाहती है कि हम उग्र हो जाएं और लाठी चार्ज करवा के जैसे भी आंदोलन को तोड़ा जाए, लेकिन ये आंदोलन नहीं टूटेगा, लगातार चलेगा। जय किसान जय जवान। ठीक है, देखो भाई ये बाइक है युवा कमेरा किसान छोटू राम दाम अनिल भाई, कहाँ से? पालवा से। पालवा से। तो भाई जो बाइक भाई भीतर की बता दे, भाई कौन नहीं जानते, निकाल रहे हैं ये क्यों? ये जो कह रहे हैं किसानों की बात करेंगे, अच्छा फिर पूरा कर लो, पूरा किसान नहीं है, आड़ा किसान थोड़ी बैठ जाओ, पूरा कर लो, सारा सौदा 6 महीने गया किसानों ने गोडी डाले, आड़ा कर लो किसानों का लबात है, और कड़ा जाकर करेंगे टिकरी बॉर्डर पर करेंगे। झूठ बोल के ना अपने और राजनीतिक चाल वो तो चाहे तो मीडिया ने बेरा, चाहे मोदी ने बेरा, अभी चाहे करानिया ने बेरा, किसान तो भोले भाले है, किसान तो भोले भाले, इनकी तो कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता, कितने गुंडे बढ़ रहे हिल में, कितने क्रांतिकारी बढ़ रहे हिल में, वो तो बाढ़ ना ने बेरा तो मनाना तो लग रहे हैं। लेकिन जो हम आवा है तो अपने आसपास के गांव में के हैं,
आसपास के गांव आ गए हैं भाई, अम्बुकाई लग रहे हैं और लगना नहीं चाहिए इनकी। आओ आड़ा हो जरा जान आन की जगह चाहे टिगरी बॉर्डर पर जाओ, जड़ान की जगह धंधे को नहीं बुकान लग रहे बरेंद्र ईसा तम है खटकर दल नमा के बैठ जे अंधे स्वागत करांगे उसका दल नमा के क्यों नहीं बैठ अंधे स्वागत करांगे उसका। आओ बड़ा भाई आओ भी क्यों नहीं आंदा अपने भाई अंदर मैं किसान गल है अल्लाह बरेंद्र के नारे ला मैं लावांगे रे दुनिया के बड़का ने दुनिया की बेटी क्यों रांड कराने लग रहा क्या मिला का उसके तो थोड़ी सो होगी ना कोई लड़ाई ना कोई विरोध एक वोट ना जाए तो भी समर्थन कर ले या भूल ना करे कदे भी तीन तीन घर में सदस्य बन गए पर ये नेता बन गए तो एक मान हो गया इनका घमंड हो गया इनका घमंड नहीं करना चाहिए घमंड का सर नीचा होया करे बेटा अरे हम तो दौड़ चल रहा दरवाजे पाए मैं हम किसी तो लड़ाई नहीं कर दे ना विरोध कर दे अब लड़ाई में क्या तेरा मन समझ देंगे वह हाथ दौड़ा तो सर के लत्ते दरवाजे पाए मैं अब ये काम ना करो जो रैली काट दिया नी वीरेंद्र ने वो कार्य भाई हम किसानों की बात करेंगे वहाँ पर किसानों की बात करें तो मारा धरना पावर भाई किसान ही बात कर तो मारा मावर भाई ने बुलाया था भाई ये तोरी छुपे ठाकम दिखाओ नशा चढ़ रहा नशा सरकार का नशा चढ़ रहा है। ठीक है भाई देखो भाई महिलाओं में भी रोष है कि भाई जी अगर किसानों की बात करा तो यहाँ पर किसान खटकर टोल पर लगातार बने हुए तो यहाँ पर भी कर सकते हैं ये सिर्फ आंदोलन को तोड़ने की और अपनी राजनीति चाल खेल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।